ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल परिसर में स्थित में दादा दादी दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षक मुकुंद सिंह थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राचार्य सुरेश चंद्र मीणा ने समस्त आगंतुकों का अभिनंदन किया और मुख्य अतिथियों के द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में छात्राओं द्वारा स्वागत गीत गाकर आगंतुकों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक स्तर की छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दादा दादियों का मन मोह लिया और दादा दादी लंबे समय तक बैठे रहे। प्रियांशी समीक्षा एंड पार्टी द्वारा लघु नाटिका के जरिए बुजुर्गों को आदर सम्मान से रखने की प्रेरणा दी गई, जिसे देखकर दादा दादी भाव विभोर हो गए तथा इस दौरान दादा दादी के लिए अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और उनका भरपूर मनोरंजन किया गया, जिसमें चम्मच नींबू दौड़ म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय रहे को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। चम्मच नींबू दौड़ में दादाओं में प्रथम रणजीत सिंह, द्वितीय हेतराम सहारण, तृतीय रवि शंकर। नींबू दौड़ में दादियों में प्रथम अमरजीत कौर, द्वितीय बसंती, तृतीय कमला रही। म्यूजिकल चेयर में दादाओं में प्रथम रणजीत सिंह, द्वितीय बलराम, तृतीय गेज सिंह रहे और दादियों में प्रथम अमराबाई, द्वितीय बिमला, तृतीय कमला रही। सोफिया तानिया ओझा व स्मिक्सा ने कविता के रूप में अपनी प्रस्तुति दी। चंद्र ओझा पत्रकार हेतराम सहारण, लीलाधर ओझा ने भी अपने विचार साझा करते हुए कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। मुकुंद सिंह ने सभी का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम को सराहा। सफल मन संचालन अंकिता एवं अजीत सर ने किया। छोटे बड़े हर समाचार देखने के लिए अनूपगढ़ ज्योति चैनल के साथ बने रहे और अगर पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा पास लगी बेल को भी दबा दें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये अनूपगढ़ के समाचार चैनल के अंदर प्राथमिकता से दिए जाते हैं, इसीलिए आप इसके साथ बने रहें। एहसास होगा कि आज जो चीज आपने सीखी, अगर जिंदगी भर आप इस चीज को याद रखोगे तो आप एक नेक इंसान बन पाओगे और बहुत सारी अच्छी यादें दे पाओगे। अब मैं स्किट वाले बच्चों को बुलाना चाहूंगा। इस किट को डायरेक्ट किया है हमारे सुमित सर ने। स्कूल मिलते हैं, स्कूल में एक दिन मिलाया जाए और आपको बताया जाए कि आपके जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और जो सीख रहे हैं वो सही भी है कि नहीं, आप उसको खुद देखें और आप हमको बताएं कि उसमें और कोई सुझाव, कोई उनमें संस्कार के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या। इसलिए आप सभी को हमने आमंत्रित किया है और हम पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसमें हम आपके अनुभव लेना चाहेंगे और आप लोगों के लिए कुछ ऐसे गेम्स भी हैं जो आपको थोड़ा सा एक आपका अलग दिन, जैसे आपको लगेगा कि सामान्य रूटीन आपका रहता है उससे थोड़ा अलग लगेगा। आपके लिए बॉल का गेम है, चेयर का गेम है और कई खेल आप लोगों के लिए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग वो जो गेम्स आप लोगों के लिए रखे गए हैं हमारे टीचर्स आयोजित करेंगे उसमें आप बढ़ चढ़ करके भाग लें और अपना पूरा एंजॉय करें। पूरा दिन आपका जब तक आप यहाँ हैं पूरा आपका मन जो है खिलखिलाता रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो एक बार पुनः बच्चों का मन प्रसन्न हो जाता है। हुआ ना, सच बताओ मेरे साथियों, बिल्कुल हुआ होगा। इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं। सच तो यही है कि इनसे हमारे घर की शोभा बढ़ती है, घरों में रौनक आती है। इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे घर में सुख समृद्धि व शांति रहती है।
बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए दुआ बन जाती है। हमारे भारत देश में रिश्तों को संजोकर रखते हैं और यही हमारी संस्कृति भी है। सोचिए अगर मनुष्य बिल्कुल अकेला हो, घर परिवार ना हो, बड़े बुजुर्ग ना हो, सगे संबंधी ना हो, तो जीवन कितना नीरस होगा। इसी कारणवश हम रिश्तों को बांध कर रखते हैं, चाहे तो कोई भी रिश्ता हो, सभी के बीच सभी के साथ प्रेम स्नेह का संबंध रहता है। बुजुर्गों की दृष्टि हमेशा आशीर्वाद वाली ही रहती है, उनकी दुआओं व प्रार्थना से ही हमारे जीवन के सभी काम। आदत से मजबूर बड़े सुबह शाम सैर को जाते, आकर हमें व्यायाम करवाते, होमवर्क में हाथ बटाकर और बहुत सी सीख सिखाते, दोस्त ये भी बन जाते जब कभी हम शोर मचाते, साथ हमारे खेला करते कैरम लूडो और कराटे, खाने में इनका शौक बड़ा है, जब मिल जाता है मौका इनके साथ उठते हम बारिश में चाय पकौड़े का मजा, डांटे पापा की पर चाहते, जब गंदे मास आ जाते पापा को समझा कर कहते, भूल गया बचपन तेरा कुछ ऐसे ही नंबर आते, मुझको अपने दादा दादी सारी दुनिया से ही ज्यादा भाते, मन चाहता है छोड़ के ये लोग कभी न जाए, के हर सुख दुख में हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मैं भगवान की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें दादा दादी और नाना नानी दिए हैं। दादा दादी ने केवल बच्चों में अच्छी आदतें, संस्कार और नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। दादा दादी और नाना नानी का प्यार और स्नेह वाकई बेमिसाल होता है। दादा दादी और नाना नानी के द्वारा सिखाए गए जीवन की बातें किसी पुस्तक या कक्षा से धारण नहीं की जा सकती। दादा दादी और नाना नानी परिवार। हेलो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनुप्रज ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।